नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज फैसला किया गया कि सहयोगी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने के लिए समर्थन का पत्र सौंपा जाएगा। विधायक दल की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि हमने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी हाईकमान को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के जल्द से जल्द गठन में हम पूरा सहयोग करेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस ने उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद की कोई मांग की है, कर्रा ने कहा हमारी कोई शर्त नहीं है। रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसके बाद में हमने जो लेटर ऑफ सपोर्ट है वो लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस को हैंड ओवर करेंगे। आज ही जाएंगे? जी हाँ, आज ही हम कोशिश करेंगे। आज ही के पास कब जाएंगे? नहीं, वो तो फिर अपना कलेक्टिवली डिसाइड होगा, अभी तो उसके ऊपर कोई टाइमिंग नहीं हुआ। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में बराबर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन तो नहीं कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस? नहीं, ये साइडलाइन की बात नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट की बात है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम द नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उनकी तरफ से तो आपके साथ भी थे, उनको क्यों नहीं आपके साथ ला पाए? नहीं, सवाल यही है, कहीं फेलियर तो नहीं? अभी नहीं, कोई फेलियर नहीं है इसके। इससे आप डोंट रीड टू मच बिटवीन द लाइन्स। ये बताइए कि क्या डिमांड कोई रखी गई है? कोई डिमांड डिप्टी सीएम कोई डिमांड नहीं है। वो बाद में जो जिस वक्त अलायंस पार्टनर्स आपस में बैठ के बात करेंगे उसके बाद होगा। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की हैं, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी ने 29, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 तथा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और आम आदमी पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। हम आपको यह भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल ने अपने उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक दल का नेता चुना है। कांग्रेस का समर्थन पत्र मिलने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कह चुके हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।